नमस्कार, आज लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है नई पड़ोसन। उसके लेखक हैं लालजी वर्मा। कमरे के भीतर शर्मा जी, जिसकी उम्र है 44 साल, अश्लील मैगजीन लेकर पढ़ रहे होते हैं। पप्पू यानी उनका बेटा, जो मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा होता है। एक श्रीमती जी आती हैं और उनके दरवाजे पर, जिनकी उम्र होती है 24 वर्ष, जो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर डोरबेल बजा रही होती हैं। शर्मा जी, जा जाकर दरवाजा खोल, देख कौन आया है। अब देख रहे ना, मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, बस एक लेवल पार कर लूँ बस अमेरिका जाने का टिकट मिल जाएगा मुझे। अमेरिका? उस अला गली के बाहर जाने लायक तो है नहीं, अमेरिका जाएगा। अबे गधे, इस बुढ़ापे में तो मुझसे कितना काम करवाएगा। कहिए आंटी, आपको क्या काम है? क्या कहा आपने अंकल? अंकल? नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, मेरी उम्र तो आपकी उम्र जितनी ही है। आई एम राइट नाउ यंग। खैर छोड़िए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अंकल, मेरा नाम श्रीमती है, मैं अभी अभी आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। मेरे घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो मैं क्या कुछ समय के लिए आपके घर में रुक सकती हूँ? अरे आप कुछ समय के लिए ही क्यों, आप हमेशा रुक सकती हैं। आइए आइए, अंदर आइए। श्रीमती जी घर के अंदर आती हैं, पप्पू की तरफ इशारा करते हुए शर्मा जी से पूछती हैं, ये कौन है? ये मेरे नौकर है। ए नौकर, जा मैडम जी के लिए कॉफी बना के ला, जा। पापा, ये आप सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं, कहीं आपने पी तो नहीं ली? लाइए मैं आपका मुंह सूंघता हूँ। हाँ, ये आपको पापा बोल रहे हैं? पप्पू, तू किचन में जा और मैडम जी के लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के ला। ठीक है, जा रहा हूँ। ये किसी की नाजायज औलाद है, आप नहीं जानती, ये मुझे पास के किसी कचरे के डब्बे में मिला हुआ था। बस बचपन से इसे पाला है तो पापा ही बोलेगा। शर्मा जी उधर अपना पूरा खेल सेट कर चुके होते हैं। तब तक श्रीमती जी का नजर अचानक से उनके मेज पे रखे हुए अश्लील मैगजीन के ऊपर पड़ जाती है और वो थोड़ा हेजिटेट होके पूछती है, ये मैगजीन कौन पढ़ता है? अरे ये, अरे वही साला नौकर, कितनी बार बोला है। सॉरी मैडम, आप बैठिए ना, गलती से निकल गई, बैठिए। लंबी सांस लेते हुए श्रीमती कुर्सी पर बैठ जाती है। श्रीमती की नज़र अचानक छत पर लगे हुए पंखे पर पड़ती है। पंखा बहुत धीमी गति में चलता है और श्रीमती जी को गर्मी बहुत लगी होती है। तभी अचानक मेज पर रखी हुए अश्लील मैगजीन को शर्मा जी उठाते हैं और उनको हवा खिलाते हैं और श्रीमती जी लंबी सांस लेते हुए थोड़ी आँखें झपकाती हैं। और तभी किचन से पप्पू आ जाता है और वो उनके पास पहुँच कर उनको पास से एकदम घूरते हुए देखता है। श्रीमती धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं और उनकी नज़र अश्लील मैगजीन के कवर पर छपी मॉडल पे पड़ती है। वो ज़ोर से चिल्लाती हैं। शोर के डर से पप्पू के हाथ से काफ़ी का मग छूटकर शर्मा जी की धोती पर गिर पड़ता है। अरे अबे गधे, ये क्या कर दिया, पूरी धोती गीली कर दी। अब इसको धुलने के लिए मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। अब जाइएगा नहीं, मैं अभी तुरंत आता हूँ। मैडम, मैं आपके लिए दूसरी कॉफ़ी लाऊं क्या? क्यों नहीं, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। पप्पू किचन में जाता है और दूसरी कॉफ़ी बना के लेके आता है, मैडम को बड़े प्यार से देता है और मैडम कहती हैं, ओह वाओ, बढ़िया, इट्स ए ब्यूटीफुल कॉफ़ी। तो क्या नाम है तुम्हारा? छोटू। छोटू? नहीं नहीं, मेरा नाम छोटू नहीं है, मेरा नाम तो पप्पू है। पप्पू? पप्पू, वाओ, नाइस नेम, सॉरी पप्पू। अच्छा, तो मैं तुमको एक चीज़ ऑफर करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे घर पे काम करोगे? मैं सबसे ज़्यादा सैलरी तुमको दूंगी, पूरे पूरे 20,000 रुपये। 20,000 रुपये? चलेगा मैडम, चलेगा। 20,000 रुपये का ऑफर सुनकर पप्पू पूरी तरीके से बौखला जाता है खुशी के मारे
और वो मन ही मन सोचने लगता है, मेरा खड़ूस बाप तो मुझे 20 रुपए भी नहीं देता है। वाओ, कितना मज़ा आएगा जब मैं अपने हाथों से अच्छा अच्छा बनाकर मैडम जी को खिलाऊंगा और एक दिन मैडम जी मेरे प्यार में पागल हो जाएंगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। या, अरे क्या हो गया जाने? कुछ नहीं मैडम जी, कुछ नहीं। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। कल 7 बजे नौकरी पे आ रहे हो ना तुम सुबह? जी मैडम, हम कल सुबह ही आ जाएंगे आपके घर। कहाँ गई, नज़र नहीं आ रही कहीं? अरे अपना चश्मा तो लगाओ। अरे कहाँ छुपा दिया उस सुंदर परी को, दिखाई नहीं दे रही कहीं? अरे पापा वो गई अपने घर और मुझे ऑफर दे गई हैं। ऑफर? कैसा ऑफर? कहीं वो शादी का ऑफर तो नहीं दे गई हैं? अरे आजकल के बच्चे जरा भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं। तुम्हारे माँ को मरे कितने बरस हो गया है, लेकिन आज तक हमने किसी के ऊपर बुरी नज़र नहीं देखी है। और आज मैंने देख लिया, सुधर जाओ पापा सुधर जाओ, वो आपकी बहू की उम्र की है। देख लेना, एक दिन मैं उसे आपकी बहू ज़रूर बनाऊँगा। बहू नहीं बेटा, वो बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि मैं उसे तेरी माँ बनाना चाहता हूँ, और देख लेना उसको एक दिन तेरी माँ बना के दिखाऊंगा। बहू? माँ? बहू? माँ? बाप बेटे की श्रीमती को लेकर के बातों बातों में ही कस के भिड़ंत हो जाती है। दिन समाप्त होता है। अगले दिन की सुबह पप्पू अपने बैग में सारे कपड़े और अपना सामान भर रहा होता है। पप्पू, ये तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो भाई? घर छोड़ के जा रहा हूँ। आपको आपका घर मुबारक हो, मुझे नौकरी मिल गई है। कैसी नौकरी? कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना और बहुत कुछ। नौकर की नौकरी है तो ऐसा बोलो ना, वैसे भी इससे ज़्यादा तुमको और क्या मिल सकता है? पापा ऐसी नौकरी किस्मत वालों को मिलती है, और आपको पता भी है किसके घर पे नौकरी मिली है। अरे होगा कोई कमी ना, मुझे क्या करना? श्रीमती मैडम जी के घर, जो कल अपने घर पे आई थी नई पड़ोसन, उन्हीं के घर पे नौकरी मिली है। आए? पापा मुंह बंद कर लो, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। अब मैं चलता हूँ, उन्हीं के घर पे रहूँगा, उन्हीं को पटाऊँगा और उन्हीं से शादी भी रचाऊँगा। पप्पू, तुझे तेरी मरी माँ की कसम, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया वो तेरी माँ की उम्र की है, उससे शादी मैं करूँगा और तेरी माँ बनाऊँगा। बेटा तुझे छोड़ के तेरी माँ बचपन में ऊपर चली गई थी, तू कभी नौकर का काम नहीं किया है तो तू ये काम नहीं कर सकता। तेरी जगह मैं उसके घर जाने को तैयार हूँ। अरे बुढ़ो, वो तेरी बेटी की उम्र की है। बेटा तेरी नज़र कमज़ोर है। चलो ठीक है, हम दोनों चलते हैं। जिसे वह पसंद करेगी वही उसके घर में नौकर का काम करेगा और वही शादी रचाएगा। ठीक है। शर्मा जी जीन्स और टी शर्ट पहनकर तैयार हो जाते हैं, अपना सारा सामान अपने बैग के अंदर रखते हैं और दोनों अपने घर से अपना अपना बैग लेकर निकल लेते हैं। श्रीमती के फ्लैट का डोर खुला होता है। फ्लैट के अंदर कुछ लोग दीवार पर कलर कर रहे होते हैं। फ्लैट के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ होता है। श्रीमती जी आईने के सामने मेकअप कर रही होती हैं। पप्पू और शर्मा जी फ्लैट के मेन डोर से आवाज़ लगाते हैं। मैडम जी, आपने मुझे काम पर बुलाया था। ओह यस, लेकिन आप दोनों लोग क्यों आए हैं? हम दोनों को बहुत दिन से एक सुंदर नौकरी की तलाश थी, पर आज तक नहीं मिली। पर अब मिल गई है तो हम दोनों आपके यहाँ काम करेंगे। और जिसका काम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा आप उसको काम पर रख लेना। वैसे भी आप दोनों ने इस घर की हालत देख रहे हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा है। आप दोनों अगर साथ मिलकर घर को अच्छे से अरेंज करें तो सब हो जाएगा। वैसे भी शाम को कोई आने वाला है, उसके आने से पहले ये सारा घर साफ सुथरा होना चाहिए। मैं उसको लेने एयरपोर्ट जा रही हूँ। ए छोटू, कौन आने वाला होगा यार? लगता है ससुर जी होंगे। क्या हुआ, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि आप कितनी दयालु हैं, आपने हम दोनों को काम पर रख लिया। आप बेफिक्र रहिए, हम दोनों आपके आने से पहले इस घर को स्वर्ग बना देंगे। ओह थैंक यू। श्रीमती जी फ्लैट से चली जाती हैं, साथ ही पेंट का काम करने वाले सारे वर्कर्स भी अपना काम ख़त्म करके घर से चले जाते हैं। शर्मा जी और पप्पू
घर के अंदर अकेले रहते हैं और वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। देखा, लड़की के घर में गृह प्रवेश अभी हुआ नहीं कि उसका बाप भी आ रहा है। हम उसकी खूब सेवा करेंगे ताकि हम उसको खुश करके जल्दी से उसकी बेटी से विवाह कर सकें। ऐसी साफ सफाई करूँगा कि उस बुढ़े की आँखें चकाचौंध हो जाएंगी। शर्मा और पप्पू दोनों के हाथ में झाड़ू होता है। दोनों बहुत ही तेज़ी के साथ घर को पूरा साफ कर देते हैं। दोनों थक करके फर्श पर बैठ जाते हैं और पप्पू कहता है, पापा अब तो मैं थक गया हूँ, कभी इतना काम किया नहीं ना अपने घर में, इसलिए। बेटा, लड़की के बाप को खुश करने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। बस थोड़ी देर की तो बात है, कुछ ही देर में वो आ रहा होगा बुढ़ा। दोनों डोर पर बज रही बेल को सुनते हैं। तेज़ रफ्तार में भागकर दोनों आईने के सामने जाते हैं, अपने आप को सजते संवारते हैं और दोनों एक साथ पूजा की थाली सजा के डोर पर पहुंच जाते हैं। और डोर खोलते ही सामने राहुल, जिसकी उम्र 30 वर्ष और साथ में श्रीमती होती हैं। पप्पू और शर्मा जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हेलो माय डियर सर्वेंट, मिलिए माय लिविंग हस्बैंड राहुल सिंह। शर्मा और पप्पू के हाथ से पूजा की थाल गिर जाती है फर्श पर। जैसे ही दोनों झुकते हैं थाल उठाने के लिए, वैसे ही दोनों का सर आपस में लड़ जाता है और दोनों फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। कहानी का समापन यहीं पे होता है। हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ ऐश, ऐश सम्राट। तो आपको मेरा ऑडियो प्ले कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका बहुमूल्य समय पाने के लिए थैंक यू सो मच। I told him that I'm lonely. He answered that I'm mad. Yo, please, my dear homie, find me. Subscribe to Ash Samrat. Press the bell icon and get more notifications.